जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी वर्कमैन के पदों पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर CSL बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपकी वर्कमैन के अंदर जो पोस्ट निकाली गई है, वो है आपकी आउटफिट असिस्टेंट, इसका फोल्डर एरियल वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, सेमी स्किल्ड रिगर सीरंग एंड कुक गेस्ट हाउस, ये आपके पद निकाले हैं, जिसके अंदर आपके टोटल 577 पद है। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहेगी, और अक्रॉस इंडिया से ही आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 24 सितंबर 2020 है, और आप लोग 10 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए जो इसकी बाकी की जानकारी है, वो डायरेक्टली मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट निकाली है, और उसके लिए कितने पद हैं। इसके अलावा उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जैसे कि आपकी सीट मेटल वर्कर की पोस्ट है, इसके लिए 28 पद है। अप्लाई करने के लिए इस पर आपसे 10वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपके पास ITI NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके सीट मेटल वर्कर के ट्रेड में, ट्रेड या फिर फिटर के ट्रेड में। और अप्लाई करने के लिए साथ ही आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, या फिर ट्रेनिंग इन फैब्रिकेशन, जैसे कि कटिंग, फिटअप एंड वेल्डिंग प्रोसेस, ये आपसे मांगा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अप्रेंटिस की है इस ट्रेड में, तो आप तब भी एलिजिबल हो पाओगे, बट वो अप्रेंटिस आपकी 3 ईयर की होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप अन्य ट्रेड जैसे कि वेल्डर, वो देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए इस पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता और ITI की योग्यता मांगी है उसी ट्रेड में, साथ ही आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें जितने भी ट्रेड आपके निकाले हैं, सभी ट्रेड में आपसे 10वीं प्लस उसी ट्रेड में ITI की योग्यता और इसके अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि इसेंशियल रूप से है। यानी कि अगर आपके पास नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे पूरी तरीके से अप्लाई करने के लिए। इसी प्रकार से यहां पर आप दोस्तों देखोगे सेमी स्किल्ड रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए 53 पद है, और अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 6ठी पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही यहाँ पर भी आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस इस पर अप्लाई करते समय मांगा गया है। और जो आपकी सीरंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट ही पोस्ट है, इस पर भी आपसे यहाँ पर 7वीं पास की योग्यता मांगी है। कुक फॉर CSL गेस्ट हाउस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस पर आपसे 7वीं पास की योग्यता मांगी है, और एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पर मांगा गया है। टोटल वैकेंसी आप यहां से कंफर्म कर सकते हो। फिर अगर आपकी वैकेंसी डिटेल अलग तरीके से देखी जाए, तो आप यहां पर उसके बारे में भी जानकारी देख सकते हो कि किसको कितना इम्पार्क्ट, बेसिकली PWD कैटेगरी को कितनी सीट यहां पर दी गई है, किस पोस्ट पर, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, वो आपका शुरुआती तौर पर 3 साल का रहने वाला है। किस पोस्ट पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहेगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उस पर आपको पर मंथ क्या सैलरी दी जाएगी, वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। और कंपेंसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स फॉर वर्क, यानी कि प्रत्येक घंटे के लिए आपको अलग से क्या सैलरी दी जाएगी या फिर अमाउंट दिया जाएगा, उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर पा रहे हो। एज लिमिट यहाँ पर जो आपकी रखी गई है, वो आप देख लीजिए। इन जो पोस्ट के नाम यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वाइज बताए जा रहे हैं, इन पर आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, जो कि यानी कि 30 साल से कम ही रहनी चाहिए, जो कि आपकी 10 अक्टूबर 2020 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर जो सीरियल नंबर G की पोस्ट है, इस पर आपसे अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल रखी है। बेसिकली कुक की पोस्ट पर 50 साल की एज तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। मैथड ऑफ सिलेक्शन यहां पर आप देख लीजिए, आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो यहां पर आपका फेज 1, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेज 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि अलग से यहाँ पर आपके इनके अकॉर्डिंग भी आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, कि ITI NTC मार्क्स के लिए आपको 20 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट के लिए 30% और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको 50%, जो कि आपके ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर तय किया जाएगा। फिर यहाँ पर आप अन्य जानकारी अलग पोस्ट के लिए भी अच्छे से कन्फर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जानकारी चेक कर ली है। मैं आपको इस PDF का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ताकि आप इसको एक बार अच्छे से कन्फर्म कर लें।
चेक कर लें। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है जानकारी को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मैं आपको अलग से थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से बताता हूँ। तो जो आपकी फैब्रिकेशन असिस्टेंट एंड आउटफिट असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपको 300 रुपये फीस देनी होगी, और जो इसके अलावा अन्य पोस्ट बचती है उन पर आपको 200 रुपये फीस देनी है। और जो SC ST और विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट हैं, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हो, यानी कि जनरल OBC को छोड़ करके आप अन्य किसी भी कैटेगरी से इस पोस्ट पर या इन पोस्ट पर अप्लाई करते हो, तो आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आपकी CSL वर्कमैन भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।